दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप ड्रीम इलेवन टीम कैसे बनाएं और कौन कौन से प्लेयर को आज रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 1 से 4 के बीच में आते हैं उन प्लेयर को आप ज़रूर रखें, क्योंकि उनका बैटिंग करने का ज़्यादा चांस होता है और वही लोग आपको पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बनाया जॉनी बैटिस्टा को, फिर रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, क्योंकि देखिए ये दोनों ओपनर आते हैं, ये दोनों भी ये वन डाउन आते हैं, केन विलियमसन, डेविड वार्नर ओपनर, फिर हार्दिक पांड्या को हमने ऑलराउंडर रखा है, क्योंकि ये जो है बॉलिंग भी ठीक ठाक है, बैटिंग तो आप देखे ही हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। कुणाल पांड्या को हमने इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि लेफ्ट हैंड बॉलर हैं ये, इसलिए हमने इनको रखा है, लेफ्ट हैंड को इस पिच पे मदद मिल सकती है, इसलिए ट्रेंट बोल्ट जो हैं इनको रखा है, क्योंकि ये फील्डिंग भी अच्छा करते हैं और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। राशिद खान, दोस्तों आज राशिद खान को आप कप्तान बना सकते हैं क्योंकि इनका प्रदर्शन इस समय ठीक है, फॉर्म में चल रहे हैं। और हमने भुवनेश्वर कुमार के जगह में नटराजन को इसलिए रखा है क्योंकि ये यॉर्कर मारते हैं, तो यॉर्कर में LBW होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए हमने नटराजन को रखा है। तो दोस्तों आप जैसे एडिट करना हो, आपको किसी प्लेयर में पसंद ना आए तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से जाके, ये देख सकते हैं आप, लोडिंग हो रहा है, नेट स्पीड बहुत कम है, ये देखिए यहाँ से आप जिस प्लेयर को सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं जाके, विकेट कीपर, बैट्समैन, जिसको भी आपको करना होगा आप कर सकते हैं। मैं तो आज अपना टीम बनाया हूँ। बॉलर में दोस्तों ने राशिद खान को रखा है, बोल्ट को रखा है, बुमराह को रखा है, नटराजन को, चहर को, क्योंकि इनका बॉलिंग हम लोग खुद देखे हैं, हर मैच में देखे हैं, इसलिए हमको भरोसा है इनके ऊपर। अब देखिए क्या होता है। तो दोस्तों आज आप टीम बनाएं तो